जय भीम जय भारत सत श्री अकाल ये नारे हमेशा गूंजते रहे और जिस जमीन पे हम आए ये बहुत से विचारधाराओं की धरती है ये नागपुर। यहां से बाबा साहब ने एक वैचारिक परिवर्तन किया और यह भूमि इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब पूरी दुनिया में गए, बहुत से देशों में पढ़ाई की, वहां के संविधान देखे और भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कुछ गलत विचारधाराओं के लोग जो देश के संविधान को नहीं मानते थे, वो समानता का अधिकार नहीं देना चाहते थे, बाबा साहब को भी अपना एक अलग से जो परिवर्तन की भूमि है यहां से परिवर्तन करना था। उन्होंने कहा कि हमको समानता का अधिकार जहां मिलेगा हम ऐसा धर्म को अत्याचार करेंगे, क्योंकि उनको पता था, उनको जानकारी थी कि हिंदुस्तान ये कृषि और ऋषियों की भूमि है, यहां पे धार्मिक भावनाएं हमेशा जागृत रहेगी। और अपने समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, उनके उत्थान के लिए जो काम किया, हमेशा उनको याद करते रहेंगे। 100 आता है कि पिछड़े, दलित कोई जातिया नहीं है। दलित कौन लोग थे? हम सब दलित हैं। गांव में रहने वाला हर आदमी दलित है। खेत में हल चलाने वाला जिसके हाथ मिट्टी से चलने हैं, जिसके पैरों में जुटती नहीं है, जो मिट्टी में काम करता है, जो नहाने से पहले अपने खेत में काम करता है, वो सब दलित है। उसकी कोई जाति नहीं है। आप जाओ नागपुर के अंदर है, वो कितने भी उच्च जाति का आदमी है, अपने खेत में हल चला के खेत की मिट्टी उसके पैरों में हाथ में लगी हुई, मल्ले कपड़े पहन के आप जाओ किसी 5,000 में, आपको कोई घुसने नहीं देगा, आप कितनी भी बड़ी जाति के हो। तो जो मजदूर है, जो खेत में काम करता है, जो काम हम करीब 4,00,000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में गए, वे ट्रैक्टर में थे जो भारत सरकार ने 10 साल की पाबंदी लगाकर उनको बंद कर दिया। वो हमारा मकसद नहीं था कि हम ट्रैक्टर लेकर जाए, लेकिन हमने कहा कि जो पॉलिसी आपने बनाई, क्या कोई ट्रैक्टर 10 साल में कोई बदल सकता है? 10 साल में कुछ नहीं ट्रैक्टर का बदला। हमने कहा कि दिल्ली की चमचमा की सड़कों पर वो ट्रैक्टर हमारे चलेंगे और 26 तारीख को हम भी झंडा फहराएंगे, हमारे लोग भी देश की आजादी का जश्न है वो मनाएंगे। तो हमको अंदाजा था, हमको था कि 10-15,000-20,000 ट्रैक्टर आ जाएंगे। लेकिन लास्ट तक ये यहां के जब 22, 23 और 24 तारीख हो गए, पंजाब और पूरे कई स्टेटों से लोग ट्रकों में भर भर कर ट्रैक्टर, तो हमारी भी वो होगी कि इसमें होगा क्या? और 4,00,000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चारों सड़कों को लगा, प्रशासन को कहा कि आप इसकी परमिशन अंदर से हमको रूट आप दे दो, हम डिसाइड इसको कर लेंगे। इधर के बोर्ड ट्रैक्टर इधर से निकालते हैं, 10-15, 20-25 किलोमीटर दिल्ली के अंदर वो चले जाएंगे और लोग अपने गांव वापस चले जाएंगे। लेकिन वे तो षड्यंत्रकारी है, क्योंकि ये जो धरती है यहां पर नागपुर में है, ये बैठ के पूरा प्रोग्राम यहां पर बनाते हैं, ये विचारधारा यहां पे जाती है। पूरे प्रेस के लोगों को क्या उनका बूझना है वो यहां से जारी होता है, इसी नागपुर की धरती से जारी होता है कि प्रेस के लोगों को क्वेश्चन क्या
उसने जो रास्ते हमको दिल्ली में दिए और 25 तारीख की रात तक वो बहकाते रहे, नक्शा बनाते रहे, देते रहे और बना के हमने जब सुबह ही चले तो जोन से रास्ते हमको दिए उसी रास्ते पर लेके थी वो कभी ये कर क्या गए थे ना यहां ऐसे चल जाओ तो रोंग साइड से करे वहां पर महिलाएं पुलिस लगा रखी। महिला पुलिस का मतलब ये है कि इनके साथ में अगर पत्ते भी लेकर कहें देखो जी महिलाओं के साथ में कर रहे और जो दिल्ली जाने के रास्ते थे वे खुले छोड़ रखे और लाल किले का रास्ता बता दे लाल किले पर जाओ लाल किले पर जाओ। भाई लाल किले पे अगर किसान को जाना होता तो पार्लियामेंट पर जाता, किसानों के साथ में पूरा षड्यंत्र रचा और फिर वो दिखागा कि इन्होंने झंडे का अपमान किया। हम तो 4-5-6 लाख झंडे तिरंगे वैसे ही लेकर गए थे, देश वहां की दिल्ली की जनता फूल से वर्षा कर रही थी, लेकिन ये तो षड्यंत्रकारी थे ना कि झंडे में इनको कह के तिरंगे का वो कर इनको बदनाम करो, क्योंकि तो पहले से ही कहते थे कि जो सिख समाज के लोग आ रहे हैं ये तो खालिस्तानी है, एक माहौल खराब करने का काम कर रहा है। और 28 तारीख को पूरा दिन से वही कहना शुरू कर दिया फिर देखो जी तिरंगे झंडे का अपमान करा, देखो ये अपमान, क्योंकि मीडिया सब इन्हीं का ही है, लेकिन देश की जनता इनकी बात को समझ गई, इनके साथ में कोई नहीं है, आंदोलन का रास्ता लोगों को करना पड़ेगा, आंदोलन छोड़ना नहीं, बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होगा। जो हमारे साथ में कर रही है इनके पास में एक एक आदमी की लिस्ट है, जो आरएसएस के लोग हैं वे जब भाई जी करके गांव में जाते हैं किसी के भी घर पे और बहुत प्यार से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके भाई कहाँ रह रहे जी, एक नागपुर में रह रहे, उनका सोई काटा था में, अच्छा बहुत अच्छा जी नागपुर में हमारा मुख्यालय, उसका नंबर दे दो जी, उसका नंबर लिखेंगे सोयकर का फार्म जिसका है उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर बता देंगे कि एक वो है आंदोलन में उसका भाई जा रहा था और यहाँ पर उनका सोयकर का फार्म है, उसको देख लेना। हर चीज की रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे खतरनाक आदमी नहीं बोले। ये देश में अपने यहां पर जो ट्रेनिंग सेंटर है ये यहां पर नकली मुसलमान बना रहे हैं, नकली, ये यहां पर नकली हिंदू बना रहे हैं, ये यहां पर नकली सिख बना दिए और दरबार साहब की कमेटी जो सबसे धार्मिक गुरुद्वारा हमारा है उसकी कमेटी में शामिल करवा दिए नकली सिख बना के। यहां से ट्रेनिंग लेकर उनको भेज दिया, वे नकली सिख बनाए और हमारे संस्थाओं के खिलाफ सिखिज्म के खिलाफ नकली किताब छापकर कोर्सों में शामिल करवा दी। इनका मकसद है कि आने वाले 50-100 साल में हम पूरे देश का जो इतिहास है उसको बदल देंगे, और इनका मकसद, इनका मकसद है इस देश की विचारधाराओं को बदलना, ये उसमें लगे हुए हैं। और जो यहां पे हमने कुछ लोगों से बात कर उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी यहां की, हमको पता चला कि एक परिवार है उसने ट्रेनिंग ले ली, हम उसके घर के हमने देख लिया कि यही लड़का है, उनके 3 लड़के थे तो एक संगी हो गया। हमने कहा तेरा वो चाय लेकर, हमने कहा अगर तेरे 8 दिन की ट्रेनिंग ली तो हमारे कहने से वापस आ जाएगा, उसने कहा जी मैं तो 2 ले रखी है 28-28 दिन की, मगर बहुत बात बताएगा आएगा इस वापस। लोगों की विचारधाराओं को चेंज करते हैं, इनको ना गांव से मतलब है, ना खेती से मतलब है, ना किसान से मतलब है, ना दुकानदार से मतलब है, ना व्यापार से मतलब है, इनका मकसद है इस देश की जमीन से। इन्होंने कहा है कि 40% लोगों को खेती से हटाना पड़ेगा, अब होगा क्या, क्या इनकी पॉलिसी है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
अगर पूरी दुनिया के दो हिस्से कर दें, एक चाइना रीजन में आएगा और एक यूएसए और अमेरिका रीजन में आएगा, तो चाइना से कंपटीशन के लिए एक देश चाहिए जिसकी जनसंख्या ठीक हो, वहां पर सस्ती लेबर मिले, तो हिंदुस्तान चुना गया है। और लेबर सस्ती जब मिलेगी, जब एग्रीकल्चर से हटेगी, वे बहुत ध्यान देते हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों को हटाना पड़ेगा। मकसद समझ लेना क्या है, कृषि से लोग हटेंगे तो सस्ती लेबर होगी, उसी के साथ में उन्होंने लेबर एक्ट में संशोधन किए, एग्रीकल्चर से हटाने के लिए तीन कानून लेकर आए, बिजली अमेंडमेंट बिल साथ लेकर आए, सीड बिल लेकर आ रहे हैं, बहुत से कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे हैं। इनका यह है कि ये जमीन इनसे छीन है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में जमीन जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाए, बड़े फार्म यहां पे हो, और जो बड़े फार्म हो जाएंगे तो खेती को देख करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हम खेती करवाएंगे। उनका मकसद हिंदुस्तान में खेती करना नहीं है, उनका मकसद है हिंदुस्तान में 30 से 50 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इस तरह के सीड और पेस्टिसाइड ले पाएंगे कि हिंदुस्तान में एक भी किलो अनाज पैदा ना हो। ऐसा नहीं कि इनकी 5 साल सत्ता आ गई और इनकी पॉलिसी फेल हो रही है, इनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक है। इनकी पॉलिसी है कि हिंदुस्तान में अनाज पैदा ना हो, जनसंख्या बहुत है तो बाहर की कंपनियों को दो चीज मिलेगी, यहां पर सस्ती लेबर मिलेगी, बड़ी इंडस्ट्री लगेगी उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए जो 7-8 हजार 10 हजार रुपए में काम करेगी, और अनाज उनके लिए बाहर से आएगा, इसलिए बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जो फूड के क्षेत्र में आ रही रहेगा, और हमारे पंच भी वही रहेंगे। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है, इस आंदोलन की लीडर ये जनता है, इसलिए यह आंदोलन चलाया। बहुत लोग का इस आंदोलन में सहयोग रहा, वे वहां तक नहीं भी जा पाए तो भी वे आंदोलन का हिस्सा बने रहे, और आने वाले टाइम पे भी हमको अपनी जमीन बचानी है, फसल और नस्ल हमको बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक फसल कुर्बानियां देनी पड़ेगी एक फसल की। हमने राजस्थान में कह के एक फसल का मतलब नहीं कि फसल की जुताई करो, उन्हें जुताई शुरू कर दी थी, हमने कहा एक फसल की कुर्बानी दे दो, तो तीसरे दिन पता चला कि उन्हें गेहूं की बुआई वो हेरो चला दी, उसमें ट्रैक्टर चला दिए, बहुत मुश्किल से रख के हजारों एकड़ जमीन उन्हें जुताई कर दी उसकी। एक फसल का मतलब है कि एक फसल की कमाई इस आंदोलन में लगा, उसको नष्ट नहीं करना, इसमें लगाओ, क्योंकि आंदोलन बहुत जगह चलाने पड़ेंगे, यहां पे भी ये प्रोग्राम होगा तो इसका भी खर्चे बैठते हैं, तो जो लोग भी आंदोलन करेंगे और खासकर के महाराष्ट्र में जहां पे आंदोलन कमजोर है, हम यहां पर आते रहेंगे, हमारे लोग यहां पे आते रहेंगे, और जब जब भी जो कोई बुलाएगा, छोटी मीटिंग हो बड़ी मीटिंग हो, आप आंदोलन की तैयारियां करो, आंदोलन की यहां पर कमेटियां लगाओ, संयुक्त मोर्चे की कॉल का फोन तो उसके लिए आप खड़े रहे। ट्रैक्टर हमारा सबसे बड़ा हथियार इस आंदोलन में रहा, बैरियर जब टूटते थे तो उसी से टूटते, बैरियर हाथों से नहीं टूटते, ये कलयुग के आंदोलन है, इनमें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमारे सरदार साहब ने बताया कि ये ट्रैक्टर तो 1965 में भी देश की लड़ाई में काम आया और ये हमेशा आगे भी काम आता रहेगा। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा। जो लोग खेती किसानी करते हैं वो कानून आ गया एनसीआर, और जो बड़े शहर है उसमें वो ट्रैक्टर भी जो डीजल वाहन है उसमें उन्होंने शामिल कर दिया कि इसको हटाया जाए। कागजू में एक दूसरे के वो कागज चढ़ता ही नहीं ट्रैक्टर, तो अपने आंदोलन को मजबूत रखो, अपने संगठन को मजबूत रखो, और जो लोग आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं उसको मजबूत रखें, और बहुजन समाज की जो परिभाषा है वो आपको बताएगी
कोई उच्च जाति का नहीं है। किसी को तजर्बा लेना है तो खेत में हल चला के वही कपड़े पहनकर आप कहीं शहर के किसी बिल्डिंग में चले जाना तो शहर के लोग हैं, अगर आपको अपने दरवाजे बंद कर बैठा दे तो खेत में काम करने वाले लोग सब बहुजन हैं, सब उसी समाज से हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के परिवार के लोग भी रहते हैं यहां, उनके परिवार के लोग के लिए हमने उनको कहा भाई आप यूपी में राजस्थान में उधर आप जाओ, आंदोलन जब होते हैं या बड़ी बिल्डिंगें होती हैं आप उसमें भी आप जा करो, क्योंकि बहुत लोगों को यह पता ही नहीं कि बाबा साहब के भी परिवार के लोग भी हैं, लेकिन वे यहां तक ही रहते हैं, उनको भी जब इस तरह की जब बिल्डिंग हो तो उनके परिवार को लोगों को बुला रहे, उसमें बहुत आस्था उनके परिवार में लोगों की है। तो जो कमेटी है कभी भी इस तरह के प्रोग्राम हो उनको भी बुलाओ, अपने यहाँ पे गुरुद्वारे हैं उनका भी सम्मान, जो कमेटियां हैं वहां पे भी जाते रहो, क्योंकि जब जब भी आंदोलन होंगे तो गुरुद्वारे नंबर एक पे हमारा साथ देंगे। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में भूख हड़ताल से कामयाबी ही नहीं, भूख हड़ताल जब करते थे जब राजा प्रथा थी कि राजा से लड़ नहीं सकते थे तो भूख हड़ताल कर ले, राजा को दया आ जाए और हमारा काम करते हैं, ये तो कलयुग के राजा हैं, यहां दया की नहीं, जैसे ही आपने गर्दन नीची करी ये खतर करेंगे, ये पूजा पाठ करने वाले हैं लेकिन ये उस खानदान से जिस खानदान में बलि प्रथा थी मंदिरों में, ये उस खानदान के हैं याद रख लेना, ये पूजा पाठ करने वाले हैं लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये डरपोक नहीं है, आप डटकर खड़े रहोगे, इन्हें पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया, सब लोग हमारे संपर्क में हैं, सौ विभागों के लोग संपर्क में, उन्होंने कहा कि हटना नहीं, हटना नहीं, एक जगह ऊपर मुकदमा था लेगा, आज पर सारे ये होगी कुर्गियों को कहने पर चलो चले चले कोर्ट में गए, जज ने कहा कि सौदा मुकदमा भी खत्म होगा और अपना आंदोलन मत छोड़ना, साहब कहने लगे भाई ये मामला पहले ही देखा भाई आंदोलन ना छोड़ते तो आपने बुलाई क्यों, कहने जी वो काम मेरा है और जो काम आपका है उसे छोड़ना नहीं, आंदोलन छोड़ना नहीं, आंदोलन करते हो तो भाई ये तो है कि जिसका जो काम है वो कर रहे, घबराने की जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तो सारी संस्थाएं आपके साथ में खड़ी ही रहेगी, अगर ये छेड़खानी 28 तारीख में करते तो भुगतना पड़ता, सब देश का जवान और किसान सब फांसे जाता है, अभी भी पत्रकार एक न्याय भाषा का इस्तेमाल हुआ आज, क्योंकि नागपुर की धरती है तो भाई नया क्वेश्चन तो जरूर आओ ना, उन्होंने कहा कि माओवादी ने चिट्ठी लिखी आपको, भाई एक साल बाद पता चला भाई हमारे इंटेलिजेंस है ये है वो कहां गई, तुमको पकड़ो और मगर चिट्ठी हमें भी दिखा दो भाई कहां है, किस तरह की चिट्ठी थी, आपका समर्थन करा हमने और कोई समर्थन कर रहा चिट्ठी के जरिए बताओ उसका क्या करना भाई, भाई उसको पकड़ लो, हमने तो समर्थन नहीं मांगा, आप पकड़ लो उसको, कहा किसने करा कौन से उसने करा वो कौन विचारधारा था हमारी सहमत हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि हम इनका सबका जवाब देते हैं, हमने कभी किसी प्रेस वाले को ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चन पूछना ये ना पूछना, हमने जो जिसने पूछा उसने सबके जवाब दिए, इनकी मजबूरी है क्योंकि एक एक ही घंटे में 7-8 चैनल पर अगर प्रोग्राम करे, उन्हें एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सबने पूछ दिया, मतलब मरज क्या है 5 क्वेश्चन पूछ रहे और ये भी
पूछ रहे ये लिखत पड़त में कहीं से आ जरूर रहे। कह रहे सब हेड ऑफिस आ रहे, तो हेड ऑफिस का मतलब है नागपुर, सब चीजें यहां से लगते हैं, रिटायर जज बैठा रखे हैं, क्या फैसला हो रहा है सब यहां से जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, इस तरह की व्यवस्था है। तो सब उन्होंने कैप्चर कर दिया, कैप्चर बंधन में है सब लोग। तो ये मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा आप लोगों को, आपका धन्यवाद है सभी लोगों का। और जो आंदोलन यहां पर चल रहे हैं, बिजली वालों का आंदोलन चल रहा है, बिजली प्राइवेट हो रही उसका भी हम समर्थन करते हैं, बिजली के कर्मचारी सब हमारे साथ में है और हम उनका हमेशा उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं हम, लेकिन जब बिजली प्राइवेट की बात आती है तो हम उनका समर्थन करते हैं। दूसरा जो भी छोटे राज्य की जो डिमांड है, विघर की जो डिमांड है, ये होने चाहिए एनएसएस का बजट हो, छोटा स्टेट बने, और जो ये डिमांड जो कर रहे हैं ठीक है, और ये बहुत पुरानी डिमांड यहां की है, उसको भी आप आगे लेंगे उसको चले, और यहां के किसान आत्महत्या ना करें, यहां के किसान संगठित हो आंदोलन करें, जैसे उत्तर प्रदेश और इन स्टेट में है, क्योंकि वहां पे आंदोलन मजबूत है, तो किसी किसान पे कर्जा है तो उसकी जमीन नीलाम नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोग वहां चले जाते हैं और अधिकारी को टाइट करते हैं, किसी की जमीन नीलाम नहीं होगी, तो कोई जमीन नीलाम नहीं होती, अगर होती है तो हम वहां पर जाते हैं, पूरी कैंसिल होगी और उस जमीन पर कब्जा ले देते। किरान में एक जमीन नीलाम हुई थी, आज तक उस जमीन पर बोर्ड गार्ड रखा है और वह 6 बार जमीन आगे बिकी, लेकिन कब्जा उसी किसान का है। तो आप लोग संगठित रहे, आंदोलनरत रहे, हमारे मंचों पर दो चीजों पर बैर रहता है, एक तो जातियों पर, जातियों पर कटाक्ष नहीं करते, किसी के पक्ष और कटाक्ष की बात नहीं करते, दूसरा पॉलिटिशियन पे किसी का समर्थन और वो नहीं करते, दो चीजों पर हमेशा बैर रखते हैं, लेकिन आगाह करते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा। हमारे भी लोग हैं यहां पर, इसी में यही कैंप में जैसे हमने अपने लोग घुसा रखे हैं, ऐसे हमने भी घुसा रखे हमारे भी टुकके हैं। तो आपका धन्यवाद, और ये एमएसपी की लड़ाई, स्वामीनाथन कमेटी की जो लड़ाई है वो देश भर में जारी रहेगी, मजदूर का हक उसका मिल है, ये किसान मजदूर आदिवासी का जो संघर्ष है ये जारी रहेगा, और सबसे मजबूत अगर आज का संगठन देखना हो तो वो आदिवासियों का संगठन देखो। नेता हाट में झारखंड में हम गए, उनका जमीन का एक आंदोलन चल रहा, मिलिट्री से चल रहा है उनका आंदोलन, मिलिट्री की गाड़ी का अगर लेट जाएंगे उनका अगर लाठियां चलेगी, गाड़ी की टक्कर लगेगी, जिसके चोट लग जाएगी वो पीछे हट जाएगा, दूसरे लोग सामने आ जाएंगे, कोई हाथ नहीं उठाते, और 8-8 और 10-10 दिन जंगलों में लोग रहते हैं, उनके बीच में हम रहे हैं।